सूर्य नारायण भगवान ने कहा, दुर्दुम्ब ये नर नारायण तुझे मार सकते हैं क्योंकि इनको हजार गुना फल प्राप्त है चंद्रभागा के तट का। चंद्रभागा के तट का हजार गुना फल प्राप्त है। मैं आपकी शरण आ गया हूं, अब मेरी रक्षा करो। जैसे ही नर नारायण को क्रोध आया और उसको मारने के लिए आतुर हुए, सूर्य नारायण ने नर नारायण के हाथ जोड़ लिए, आप इसको मत मारो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं क्योंकि ये मेरी शरण में आ गया और मेरी शरण में आने वाले को राम, मेरी शरण में आने वाले को मैं मरता हुआ नहीं देख सकता, ये मेरी शरण में है, आप इसे मत मारो, आप इसे छोड़ दो। नर नारायण ने कहा, सूर्य नारायण आप इसे बचा रहे हो, एक कवच इसके पास में है और एक कुंडल इसके पास में है, हम नर नारायण मां चंद्रभागा का जल हाथ में लेकर इस दुर्दुम्ब को श्राप देते हैं कि ये मृत्यु लोक में कर्ण बनेगा, कर्ण बनकर मृत्यु लोक पर जाएगा, अंत समय में इसका कवच और इसका कुंडल इसके पास में नहीं होगा, तब तुम भी नहीं बचा पाओगे और मरना पड़ेगा, इसको मृत्यु होगी इसकी। जब राजा कर्ण बने, इंद्रदेव ने उसका कवच और कुंडल दोनों मांग लिया, शरीर पर कुछ नहीं रहा, तब उसके प्राण छूट गए। चंद्रभागा नदी के तट पर चल रही पंडरपुर की यह पवित्र शिव महापुराण की कथा, हरिहर विठल शिव महापुराण की कथा में आज एक बात अपने भीतर लेकर जाना, अपने हृदय में उतार कर लेकर जाना। स्वयं नर नारायण ने भास्कर देव से कहा, सूर्य नारायण आपने तो केवल एक दुर्दुम्ब को कवच दिया है, पर मेरा महादेव मेरा शिव अपने नयन के अश्रु से जो रुद्राक्ष उत्पन्न करा है उसने, वो रुद्राक्ष तो संसार के प्रत्येक मनुष्य का कवच है। केवल रुद्राक्ष की महत्वता शिव महापुराण में नहीं, रुद्राक्ष की महत्वता स्कंद पुराण में भी है, रुद्राक्ष की महत्वता लिंग पुराण में भी है, रुद्राक्ष की महत्वता कुर्म पुराण में भी है, रुद्राक्ष की महत्वता हर पुराण के अंदर, चाहे तुम देवी भागवत पढ़ लो उसमें भी रुद्राक्ष की महत्वता मिलती है। रुद्राक्ष की महत्वता तुम जितनी जितनी जहां जहां पढ़ोगे हर कथा के अंतर्गत तुम्हें मिलेगी। स्वयं नर नारायण ने सूर्य नारायण से कहा, भास्कर देव आपने तो केवल दुर्दुम्ब को कवच दिया है, पर मेरे शंकर ने अपने नयन अश्रु से जिस रुद्राक्ष को उत्पन्न करा, वो रुद्राक्ष संपूर्ण विश्व के जीव के लिए कवच है, जिसके हृदय में, जिसके कंठ में, जिसके कंठ के अंदर भुजा पर जिसके रुद्राक्ष होता है, उसकी कवच स्वयं शिव बनकर चलते हैं और उसकी रक्षा शंकर करते हैं।